ओके, आप सभी का स्वागत है प्रगत कंप्यूटर वर्ल्ड में। और जैसा कि हमने पहले की कक्षा में पढ़ा सिंगल लेजर क्रिएशन, आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे मल्टीपल लेजर्स बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि मल्टीपल लेजर क्रिएशन की तरफ हम क्यों जाएंगे, यानी कि हम टैली में इस ऑप्शन का प्रयोग क्यों करेंगे। तो जब हम लेजर्स बनाते हैं तो लेजर्स बनाने के लिए हमारी जरूरत जो होती है वो ग्रुप्स की होती है। ग्रुप्स के अंडर में लेजर बनते हैं। हमारे टैली द्वारा 28 ग्रुप दिए जाते हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि बने होते हैं। उन ग्रुप्स के अंतर्गत ही हम सारे लेजर क्रिएट करते हैं। ऐसे में हमें सिंगल लेजर बनाना है या मल्टीपल लेजर बनाना है, इन दोनों के बारे में जानकारी हम आपको दे दें कि सिंगल लेजर बनाने के लिए आपके सभी ग्रुप्स लेजर के यदि अलग अलग हैं तो हम सिंगल लेजर में जाएंगे, और यदि सभी ग्रुप एक हैं और लेजर अलग अलग प्रकार के हैं तो हम मल्टीपल लेजर में जाएंगे। तो आइए, मल्टीपल लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। मल्टीपल लेजर क्रिएशन के लिए हम सेम उसी प्रोसेस से जाते हैं। यहां पे हमें गेटवे ऑफ टैली, देन गेटवे ऑफ टैली से हम प्रवेश करेंगे अकाउंट्स इन्फो। इसके बाद अकाउंट्स इन्फो में हम यूज करेंगे लेजर ऑप्शन, और देन हमें यहां मिलेगा मल्टीपल। मल्टीपल में अब हम यूज करेंगे एक ऑप्शन जिसे हम क्रिएट के नाम से जानते हैं। अब यहां पे हमें देखना है कि हम यहां देख लें गेटवे ऑफ टैली, दूसरा हमारा अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर, और फिर मल्टीपल, और मल्टीपल में हमने क्रिएट को सेलेक्ट किया। अब सिलेक्शन के बाद, यानी कि हमने यहां पे इंटर किया, जैसे ही ये ऑप्शन एक्टिव होगा तो देन हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, और उस विंडो में कुछ ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस को हमने पहले ही दे दिया है आपको। इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रुप, दूसरा आता है नेम, और तीसरा आता है ओपनिंग बैलेंस। अगर हम पीछे थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो पीछे जाके देख सकते हैं दूसरी वीडियो जो पहली पड़ी है यहां पे, वो सिंगल लेजर क्रिएशन की। तो सिंगल लेजर क्रिएशन जैसा हम जब सीख रहे थे तो उस दौरान पहले हम लेजर का नाम देते थे, समझ आ रहा है इतना। सिंगल लेजर क्रिएशन में पहले क्या देते हैं, नेम। लेकिन जैसे ही हम मल्टीपल लेजर में आते हैं तो सबसे पहले क्या देना होता है, अंडर ग्रुप। एग्जाम्पल फॉर, यदि हम यहां इनडायरेक्ट इनकम के सभी खाते बनाना चाहते हैं, सपोज हमारे पास जितने खाते हैं वो संख्या है 5, हम 5 खाते बनाना चाहते हैं लेकिन सभी का ग्रुप एक है इनडायरेक्ट इनकम का, तो ऐसे में हम लिस्ट से ग्रुप का सिलेक्शन कर लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम में आने वाले जितने भी नाम हैं उन सभी नामों को यहां देते हैं। सपोज रेंट अकाउंट, हमें रेंट से इनकम होती है। अब दूसरा खाता हो सकता है कि रेंट के बाद हमें यहां पे सैलरी मिलती है। इस तरीके से यदि हमारी इनकम होती है तो हम यहां पे दिखा सकते हैं कि ये ग्रुप, और इसके बाद यहां पे नेम, अकाउंट का नाम यहां डालना है। लेकिन जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, जितने भी लेजर आ रहे हैं, वो सब एक ही ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे में हम वन बाय वन यहां आएंगे, और यदि किसी भी खाते का, जो भी खाते हैं, इन खातों का अगर बैलेंस है तो यहां पे बैलेंस को भी लिख देते हैं और देन इंटर करके खाते बना लेते हैं। अब यहां ध्यान देंगे कि जब हम खाते मल्टीपल लेजर में बनाते हैं तो उस दौरान मल्टीपल लेजर में हम जैसे ही पहला खाता बनाए, पहला बन गया हमारा, देन हम फिर इंटर करते हैं सेकेंड, दूसरा खाता भी बन गया, तीसरा भी बन गया, चौथा बन गया, और इस तरीके से इन खातों के बाद अब हमें खाते नहीं बनाने हैं। तो जैसे ही हम इंटर करते हैं यहां पे 5 नंबर दिखाई देगा, बट हमें यहां आगे खाता नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, सिर्फ बगैर नाम दिए इंटर कर देते हैं। ठीक है, यहां बगैर टाइपिंग किए कुछ भी किए हम यहां इंटर कर देते हैं, और देन हमसे पूछा जाता है यस और नो, यानी कि एक्सेप्ट करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। नो करने के बाद आप फिर से इसको सुधार कर सकते हैं अगर कहीं पे भी आपने मिस्टेक की है।